हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के नाइस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंटीग्रेट शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामला चल रहा है और एसटीएफ उसकी जांच कर रही है। अब यूपीपीएससी भी एसटीएफ के निशाने पर, और फ्रेंड्स, एसटीएफ सीओ के ऑफिस पहुंचे इंटीग्रेट शिक्षक भर्ती का अभ्यर्थी। तो रिजल्ट को लेकर यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज और यूपीपीएससी को लेकर लेटेस्ट न्यूज है। तो चलिए पूरा माजरा जान लेते हैं क्या इस लेटेस्ट न्यूज में। तो यूपीपीएससी अब एसटीएफ के निशाने पर, परीक्षा कराने वाले अनुभाग की भूमिका खंगाल रही है एजेंसी। आयोग के कुछ अन्य अफसर कर्मचारी भी संदेह के घेरे में, और एसटीएफ सीओ के ऑफिस पहुंचे अभ्यर्थी। 29 जुलाई को एक साल पूरा हो जाएगा एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन को। एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में पूर्व परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार की गिरफ्तारी के बाद अब परीक्षा कराने वाला अनुभाग एसटीएफ के निशाने पर है। एसटीएफ अनुभाग के अधिकारी और कर्मचारियों से पूछताछ की तैयारी कर रहा है। एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के आयोजन की 29 जुलाई को एक साल पूरा हो जाएगा। परीक्षा वाले दिन ही एसटीएफ को पेपर आउट होने के सुराग मिल गए थे। कुछ दिन बाद एसटीएफ ने इसकी जांच शुरू की और आयोग को परीक्षा परिणाम न जारी करने के लिए 3 पत्र भी लिखे, लेकिन इसके बावजूद भी आयोग ने 7 विषयों के रिजल्ट जारी कर दिए। आयोग कि इस जल्दबाजी से विवाद बढ़ता गया और एसटीएफ ने तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक अंजू कटियार को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों का कहना है कि परीक्षा में इतने व्यापक पैमाने पर गड़बड़ी के लिए केवल परीक्षा नियंत्री को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पूर्व परीक्षा नियंत्रक के अलावा आयोग के कुछ अन्य अफसर एवं कर्मचारी भी भूमिका को भी संदिग्ध माना जा रहा है। ऐसे में एसटीएफ अब परीक्षा का आयोजन कराने वाले अनुभाग की भूमिका खंगाल रही है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ ने आयोग से जो सूचनाएं या दस्तावेज मांगे थे वह बंद लिफाफे में एसटीएफ को भेजे जा चुके हैं। एसटीएफ अब जांच कर रही है कि परीक्षा का आयोजन इस अनुभाग के जिम्मे था और अनुभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी की इस गड़बड़ी में क्या भूमिका हो सकती है। तो यहाँ पर एसटीएफ को थोड़ा संदेह है, जिस एजेंसी ने परीक्षा कराई थी उसके अफसर और कर्मचारी को लेकर, और एसटीएफ के सीओ के ऑफिस पहुंचे अभ्यर्थी। एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को एसटीएफ के सीओ नरेंद्र सिंह से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, हालांकि वह शहर से बाहर गए हुए थे। अभ्यर्थियों को बताया गया है कि जाँच का काम तेजी से चल रहा है। सीओ शुक्रवार को लौटेंगे, दोपहर 2 बजे के बाद उनसे मुलाकात हो सकेगी। अभ्यर्थियों ने तय किया कि सीओ नवेदू सिंह से मिलने के बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो वाराणसी की एसटीएफ टीम से भी मिलेंगे, और इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर मांग करेंगे कि जांच और परिणाम जारी करने का कार्य जल्द पूरा किया जाए। अभ्यर्थियों ने ईमेल और ट्विटर पर सीएम से मिलने के लिए समय भी मांगा है। अभ्यर्थियों ने कहा कि 29 जुलाई को परीक्षा के 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे और 30 जुलाई से आयोग के सामने अभ्यर्थी आमरण अनशन शुरू करेंगे। प्रतिनिधिमंडल में शेर सिंह, विक्की खान, अनिल उपाध्याय आदि शामिल रहे। तो ये थी यूपीपीएससी की एल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर लेटेस्ट न्यूज़, जिसमें एसटीएफ के निशाने पर है यूपीपीएससी, और परीक्षा कराने वाले एजेंसी के अफसर और कर्मचारी भी संदेह के घेरे में। फ्रेंड्स, न्यूज़ अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।